सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे। इसमें हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम मुख्यमंत्री जी को कहना चाहते हैं कि 48 घंटे से 72 घंटे के बीच में आप हमको बुलाइए, अगर आप नहीं बुलाते हैं तो हम आपसे समय मांगेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है मुख्यमंत्री से हम समय मांगेंगे, और 48 घंटे के अंदर और 72 घंटे के अंदर जो है वो हमको समय दें और पूरी बात बताएं, इरादा बताएं कि क्या करना चाहते हैं। अभी ऑफिशियल भी हम जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुख्यमंत्री से समय मांगेंगे, और हम लोग देखिए कोई डीले टैक्टिक्स इनके स्ट्रैटेजी में फंसने वाले लोग नहीं हैं, हम इनके बहकावे में झांसे में हम लोग नहीं आएंगे। अगर समय नहीं मिलता है 48 घंटे और 72 घंटे के भीतर, तो हम जो है आगे की रूपरेखा जो है इसको लेकर के हम लोग तय करेंगे। हम सब लोग पार्टी के लोग हैं, यहाँ उपस्थित हैं, और देखते हैं, इंतज़ार है कि मुख्यमंत्री जो है समय देते हैं कि नहीं देते हैं। लेकिन अद्भुत है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी कि क्या कारण है, या ताकत नहीं है मुख्यमंत्री को, एनडीए का चेहरा है वो, और चेहरे का क्या काम जब कोई काम ही निर्णय ही नहीं ले पा रहे खुद से। तो आप समझ सकते हैं, जब सर्वसहमति से पास है, बोलते हैं कि हम करेंगे, तब भी ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो और सारी चीज़ों में बिहार सरकार कैसे चल रही है, बिहार के लोग क्या झेल रहे हैं, ये साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से जो आरएसएस नागपुर से दिल्ली तो चल ही रहा, लेकिन इनके काम करने के तरीके से ऐसा लग रहा है कि बिहार सरकार भी नागपुर से चल रही है, और हम सब लोग किसी भी हालत में जातीय जनगणना को दम खम से हम लोग उठाने का काम करेंगे। अउल जुलूल बयान जो है जिसका कोई मकसद नहीं है, वो सारी बातों पर चर्चा हो रही है, बयान दिलवाया जा रहा है, दिया जा रहा है, सत्ताधारी दल के विधायक से लेके मंत्री तक क्या क्या नहीं बोल रहे, और मुख्यमंत्री खामोश बैठे हुए, कोई कदम नहीं उठा रहे, किसी को फटकार नहीं लगा रहे, किसी को निकाल बाहर नहीं कर रहे। सांप्रदायिकता फैल रही है, कहीं कोई मंदिर पर झंडा लगा रहा है, और मुख्यमंत्री से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, हाथ लगाए कि बंधा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से तो निर्णय तो लेना पड़ेगा कि भाई ऐसी स्थिति आ गई है बिहार में कि मुद्दे पे बात नहीं होती, मुर्दों पे बात हो रही है।